वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। तो स्टूडेंट आज अपने डिस्कस करते हैं जो भी स्पेशल एजुकेटर का एग्ज़ाम हुआ है DSSSB ने लिया है 22 जुलाई 2018। इट मीन्स जो कल जो संडे अपना गुजरा है उसमें एग्ज़ाम हुआ था, DSSSB ने लिया था। तो हम बात करते हैं जर्नल सेक्शन हिंदी पर, ठीक है। हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके क्या क्या आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मैथ की बात करेंगे और रीजनिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट जो 61 क्वेश्चन है, एक तरफ अपने को कुछ दे रखे हैं, अपने को ए वाला पार्ट उसको बी वाले पार्ट से मिलाना है कि कौन सा पार्ट ए से सही मिलेगा। तो अपने को दे रखा है सबसे पहले वस्त्रों का, ठीक है, ऊँटों का, लताओं का और फूलों का संबंध बै वाले किस पार्ट से है। अगर अपने को एक भी पार्ट का संबंध पता है तो अपने सारे के सारे संबंध निकाल सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। तो अपने को पता है कि अगर आपको एक भी पता है तो आप निकाल सकते हो। तो ऊँटों का होता है स्टूडेंट काफिला। क्या होता है? ऊँटों का काफिला होता है, इट मीन्स दो का छोटी ई से संबंध है। तो देखिए दो का छोटी ई से संबंध ओनली इस वाले सेक्शन में है और किसी सेक्शन में नहीं है। इट मीन्स ये वाला भी कट चुका है, ये वाला भी कट चुका है, ये वाला भी कट चुका है। तो और भी देखते हैं, वस्त्रों का गठड़ होता है, क्या होता है? गठड़ होता है, ठीक है। फूलों का गुच्छा होता है और लताओं का कुंज होता है। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा सेकंड नंबर बी ऑप्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कहता है कि निम्न में से आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पहले देखते हैं कि पर्यायवाची कौन है। ये पर्यायवाची है, अंतरिक्ष भी पर्यायवाची है, अंबर भी पर्यायवाची। इट मीन्स ये तीनों पर्यायवाची हैं। उसने नहीं पूछा है, क्या नहीं है? तो नीरज इसका पर्यायवाची नहीं है। तो नीरज का अर्थ मैंने आपको बताया हुआ है, इसको तोड़ लो किसी भी चीज़ को, यदि नीरज को तोड़ता हूँ तो जय निकलता है। जय का अर्थ था जन्म लेने वाला, क्या होता है? जन्म लेने वाला। और नीर का अर्थ था पानी में, जो पानी में जन्म लेता है वो होता है कमल। जैसे पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंक प्लस जन्म, पंकज में पंक में जन्म लेने वाला। तो ये सब किसके हैं? कमल के। उसके बाद बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। कहता है कि अशुद्ध अपने को वाक्य छांटना है, कि चार अपने को शुद्ध सेंटेंस दे रखे हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा अशुद्ध सेंटेंस है? तो देखते हैं अपने कौन सा। राम ने एक किताब खरीदी, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने घोड़ा देखा, ये भी सही है। सीता ने खाया, ये भी देखते हैं सही है, ठीक है। राम ने एक किताब लाए, राम एक किताब लाया, ठीक है, ये वाला गलत है, ये अशुद्ध शब्द है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? फोर्थ हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की बात करते हैं स्टूडेंट। 64 आंसर देखिए स्टूडेंट, कहता है कि सीता किताब पढ़ेगी। एक सेंटेंस दे रखा है, सीता किताब पढ़ेगी। इसको सामान्य भूतकाल में चेंज करना है। अपने काल पढ़ते हैं तो वर्तमान के 5 पार्ट, भूतकाल के सॉरी वर्तमान के 6, भूतकाल के 5 और उसके भी क्या फ्यूचर के भी 5 पार्ट पढ़ते हैं। तो उसमें अपने को क्वेश्चन दे रखा है सीता किताब पढ़ेगी, इसको सामान्य भूतकाल में चेंज करेंगे तो सिंपल सा आंसर होगा सीता ने किताब पढ़ी। सी इसका क्या होगा? सीता ने किताब पढ़ी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट 65 की। 65 है, कहता है कि इनमें से विशेषण शब्द है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताते हैं किसी की। तो पहले राम को देखता हूँ, तो राम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, ये दोनों कट चुके हैं। और रह गया अच्छा। अच्छा क्या है स्टूडेंट? एक विशेषण है, किसी की विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखता हूँ, कहता है कि 66 क्वेश्चन, कहता है कि सेना का बहुवचन क्या होगा। मेनली अपने बुक में पढ़ते हैं कि सेना दल इसका क्या होता है? बहुवचन होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा बहुवचन, वो होगा सेनाएं। क्या होगा? सेनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कहता है कि चूहे शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। चूहे शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो इसका होगा चूहिया। क्या होगा? चूहिया। और जो एग्जामिनर होता है मोस्टली वो बड़ी मात्रा को टिक कर देता है। अब बड़ी मात्रा नहीं, इसमें छोटी मात्रा आती है, ध्यान रखिए। अब तो दिया नहीं कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन मोस्टली वो देता यही है, बड़ी मात्रा देता है, अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है कि देव प्लस ईश इक्वल टू देवेश होता है, इसमें कौन सी संधि है। अगर आपने मेरा संधि का पाठ देखा है स्वर संधि वाला, तो आपको पता होगी जिस पे ये वाली मात्रा ए और छोटे ऊ वाली मात्रा होती है ओ वाली, वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा गुण संधि होते हैं। विसर्ग संधि तो हो नहीं सकती, ना ही व्यंजन संधि, रहेगी अयादि संधि और गुण संधि। ये स्वर संधि का पार्ट है, लेकिन अयादि संधि भी नहीं होगा। मैंने आपको नियम बताया कैसे कैसे अयादि में करते हैं, यदि आधा यह हो और आधा वह हो तब अयादि संधि का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ गुण संधि होगी।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कहता है कि शुद्ध वाक्य पहचानिए, क्या आता है शुद्ध वाक्य पहचानिए, अपने पास चार वाक्य दे रखे हैं, कहता है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, ओनली क्या पहचानना है शुद्ध वाक्य, बाकी तीन अशुद्ध होंगे, ठीक है। गोपाल ने मुझे दो कलम दिए, अब यहाँ पे गलती है, कलम, कलम एक स्त्रीलिंग है, दिए नहीं दी, गोपाल ने मुझे दो कलम दी, ठीक, ये दिए नहीं होगा, ये गलत है। राम ने लिख चुका, ये भी गलत है। मैं तुमको देखा, ये भी गलत है। मोहन ने रोटी खाई, इसका आंसर क्या होगा, मोहन ने रोटी खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 17वां क्वेश्चन है, 57 को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, तो अपने 57 को क्या लिखते हैं, 57 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 57, इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 71 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहता है कि प्रबल शब्द में प्र क्या है, तो सबको पता है कि प्र एक उपसर्ग है, ठीक है, बाद में जो मूल शब्द निकलेगा वो निकलेगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि जो किसी के उपकार को याद करता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ, और जो नहीं करता कृतघ्न कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो जो किसी के उपकार को याद करता है कृतज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो 74 है, ये भी लगभग पहले क्वेश्चन जैसा है, अपने को मिलान करना है, एक तरफ कुछ पक्षी या जो छोटे छोटे जानवर दे रखे हैं, उन दूसरी तरफ उनकी आवाज़ें दे रखी हैं, तो मिलान करना है। तो मक्खियाँ की आवाज़ कैसी होती है, मक्खियाँ हमेशा अपने कहते हैं ना मक्खियों की तरह भिन भिना मत, तो भिन भिनाती हैं मक्खियाँ, घोड़ा हिन हिनाता है, ठीक है, बकरी मिमियाती है, और मेंढक टटराता है, ठीक है स्टूडेंट, आप मिलान कर लीजिए, ये चारों यही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, अभी देखेंगे 75 पर, उससे पहले 76 देख लेते हैं। कहता है कि दबे पांव आना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चुपचाप आ जाना, बाकी इसे मिलान नहीं करते। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा है, तो मैंने आपको भाववाचक संज्ञा की एक बताई हुई है कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिन्हें महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। यदि मीठे से यदि मैं भाववाचक संज्ञा बनाऊंगा तो एक मिठास है जिसे महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 78 की, कहता है कि सरला फल खाती है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है, तो वाक्य वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य और एक कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य क्या होता है, लिंग के अकॉर्डिंग, सॉरी कर्ता के अकॉर्डिंग जो कर्म है वो चेंज हो जाए, जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कहते हैं कृतवाच्य, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है सरला फल खाती है, ठीक है, अब यहाँ पे सरला क्या है, ये एक स्त्रीलिंग है, जो जो कर्म आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। यदि मैं यहाँ कर्ता ही चेंज कर दूँ, मान लो एक मेल ले आता हूँ, मेल का नाम है रमेश, रमेश फल खाता है, यहाँ खाती है यहाँ खाता है, अगर ऐसा किसी वाक्य में चेंज होता है कर्ता करने से तो वो कर्तवाच्य होता है, ठीक है स्टूडेंट। एक कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो, इसमें कर्ता प्रधान होता है, ठीक है, और भाववाच्य जिसमें कर्म और कर्ता दोनों प्रधान न हो, तो इसमें क्या सरला फल खाती है, इसका अगर कर्मवाच्य बनाऊँ तो इसका कर्मवाच्य बनेगा सरला से फल खाया जाता है। यदि कर्ता के साथ से लगा हो और वो एक सकर्मक क्रिया हो तो वो क्या होती है, वो कर्मवाच्य रूप होता है, एक नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 75 रह चुका था, ठीक है, पहले 75 कर लेते हैं। कहता है कि एक तरफ अपने को कुछ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके विलोम दे रखे हैं, तो अपने को मिलाना है कि कौन सा शब्द किसका विलोम होगा। तो पहला दे रखा है सदवा, स्तुति, जड़ और शोषक। तो सदवा का क्या होता है स्टूडेंट, सदवा का होता है विधवा, क्या होता है विधवा। तो एक का ई देखिए, एक का छोटी ई, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट चुके हैं स्टूडेंट, इसमें तो नहीं है, रह गया इसमें, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। स्तुति का होता है प्रशंसा करना और निंदा होता है चुगली करना। तो दो का ए देखिए, दो का ए भी इनमें आ रहा है, ठीक है, दोनों में। जड़ का क्या होता है, चेतन, आ, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड, ठीक है। फिर ऑप्शन आता है राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में कर्मश्य कारक बताइए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था। अपने को अगर वो थोड़ा सा याद है कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार, तो आप बना सकते हो क्वेश्चन। राम ने, इट मीन्स कर्ता ने, कर्ता इसी में स्टार्ट हो रहा है, बाकी किसी में स्टार्ट नहीं हो रहा, बाकी तो देखने से कट रहे हैं, ठीक है। राम ने, इट मीन्स कर्ता ने, रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आ गया, बाण से मारा, किसके सहारे मारा, कर्ण क्या होता है, किसी के सहारे मारना, किसी के द्वारा मारना, ठीक है, तो कर्ण आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र सा मुख इक्वल टू चंद्रमुख, यह कौन सा समास है। तो स्टूडेंट ये है एक, कह सकता हूँ कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इस पर नंबर मिल सकते हैं, यदि कोई आपत्ति लगाना चाहे तो लगा सकता है। इसका सीधा सा किताबों में आंसर दिया होता है कर्मधारय,
ठीक है, अगर DSSSB इसको नहीं मानता तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष का एक उपभेद होता है कर्मधारय, याद रखना, तो तत्पुरुष इसका हो सकता है। अगर वो अगर कोई लगाना चाहता है तो आपत्ति लगा सकता है, इसका आंसर कर्मधारय होगा वैसे 99%, लेकिन अगर नहीं मानते तो इसका आंसर तत्पुरुष होगा। ठीक है, जिसने तत्पुरुष किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि तत्पुरुष का आगे भेद होता है एक। ठीक है स्टूडेंट, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।